हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी सोया मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को लगता होगा ये बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत इजी है। तो क्यों ना आज सोया मंचूरियन की रेसिपी बनाया जाए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं सोया मंचूरियन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है शिमला मिर्च, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये है प्याज, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये लहसुन, इसको बारीक कट किया है। ये है सफ़ेद तिल, और ये है नमक और लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और ये है मैदा, और ये है कॉर्नफ्लोर, और ये हरी मिर्च, इसको बारीक कट किया है। और ये सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन की बड़ियाँ, इनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये है ग्रीन चिली सॉस, ये भी है, ये रेड चिली सॉस मीठा और तीखा, और ये भी ग्रीन चिली सॉस ही है, बट ये थोड़ा सा ख़त्म होने वाला था तो इसलिए मैंने दो बॉटल रखी थी। ये है सफ़ेद सिरका, और ये है जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है टोमेटो केचप। तो मेरे पास बॉटल ख़त्म हो गई थी बॉटल में, तो पाउच रखा था तो मैं यूज़ करूँगी। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ये मैं स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी यानी कि सोया चंक्स, इनको मैंने बॉयल किया हुआ था, तो अब मैं इनमें से पानी निकाल करके यानी कि इनको निचोड़ करके और एक बाउल में रख लूँगी। और ये फ्रेंड्स सोया सॉस फूड कलर और अजीनोमोटो, फूड कलर और अजीनोमोटो ऑप्शनल है, बट सोया सॉस आपको यूज़ करना है। तो ये मैंने सोया चंक्स को पहले निचोड़ लिया है, इसमें से पानी बाहर निकाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, और ये मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। जितना आप सोया लें उसके हिसाब से मैदा लें कि अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ होता है और थिक करने के लिए। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, जितना नमक टेस्ट में चाहिए उससे कम, क्योंकि अभी ग्रेवी में भी नमक यूज़ होगा और सॉस में भी नमक रहते हैं तो इसलिए। और अब मैंने यहाँ पे तेल गर्म किया कढ़ाई में, और अब मैं एक एक करके सोया चंक्स इनमें ऐड करूँगी। अगर सोया चंक्स आपस में चिपकने लगे तो आप उसको अलग करते रहें। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है रिफाइंड ऑयल में ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हमें ऐड करके और फिर हमें पलट देना है। ये बहुत ही टेस्टी ऐसे भी खाने में लगते हैं, क्योंकि इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देखिए ये धीरे धीरे गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी इस समय ये बढ़िया है, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो हमें इन्हें निकाल लेना है। तो अब मैंने बाकी का तेल एक्स्ट्रा हटा दिया है, रख लिया है, और थोड़ा सा इसमें बस दो चम्मच तेल रहने दिया है। और उसमें मैंने ऐड किया है लहसुन बारीक कटा हुआ, और अब मैं इनमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा बस दो तीन बार ऐसे चलाऊंगी इसको, और फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने प्याज कट किया था वो। शिमला मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा प्याज से फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो हट जाएगा। और फिर हमने प्याज ऐड कर दिया है, हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम तेज़ रखनी है। और अब जब तक वो फ्राई हो रहा है थोड़ा सा, तो हम ये जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था तो उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके, और फिर मैं यहाँ पे पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी। ये जो है ये ग्रेवी को थिक करता है और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आता है। तो आप देखिए सब्जियाँ कच्ची हैं बट फ्राई हो चुकी हैं, तो हमें ऐसा ही रखना है। और अब मैं यहाँ पर चिली सॉस एक चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है गार्लिक सॉस, इसमें थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल मत ऐड करें। और ये है टोमेटो केचप, तो अब मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड कर दिया है, और फिर इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस हमें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस आधा चम्मच या उससे भी कम ही ऐड करना है, आधा चम्मच मान के चलिए। और अब यहाँ पे ये सफ़ेद सिरका मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच, इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है, आप बनाइए यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से ऐड करें। और अब मैं ये जो हरी मिर्च है थोड़ी सी अभी ऐड करूँगी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था गार्निशिंग के लिए। और अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था वो ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल दें। अगर आप बिल्कुल ड्राई सोया मंचूरियन खाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ना डालें, लेकिन मैं हल्का सा लुटपुटी ग्रेवी रखूँगी तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसमें सोया चंक्स ऐड कर दूँगी और बस अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, 8 से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जब घर में बनाने लगेंगे तो आप बिल्कुल बाहर का खाना नहीं पसंद करेंगे। और ये देखिए, सोया चंक्स बन के तैयार हो चुका है। आप इसको राइस के साथ में खा सकते हैं, अगर हल्की सी ग्रेवी रखे तो रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे तो खा ही जाती है। तो ये देखिए, सोया चंक्स तैयार हो चुका है। इसमें सफ़ेद तिल से गार्निश करिए, अगर तिल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, ये बस गार्निशिंग के लिए होता है। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो उससे सर्व करिए, लेकिन मेरे पास नहीं अवेलेबल है तो मैं हरी मिर्च ही बारीक कटी उसी से सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी ये रेसिपी इजीली बना सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।